संसद में बजट सत्र के दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही विपक्षी दलों पर तंज के जरिए की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर लगने वाले आरोपों का जवाब भी दिया है और कहा कि कुछ लोग एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साल 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस को दक्षिणी भारत में झटके पर झटका लग रहा है और बड़ा झटका अब लगा है। पूर्व वित्त और गृह मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम के पार्टी छोड़ने पर बड़ी खबर आ रही है। उनके खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कार्ति चिदंबरम को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट न देने की मांग शिवगंगा के कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक में कर दी। यह बैठक बूथ एजेंट्स की नियुक्ति को लेकर हो रही थी। कार्ति चिदंबरम शिवगंगा सीट से ही कांग्रेस के सांसद हैं। उनके पिता पी चिदंबरम भी शिवगंगा सीट से ही 7 बार सांसद रह चुके हैं। कार्ति चिदंबरम पिछले दिनों यह कहकर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आए थे कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं। मीडिया की खबरों के मुताबिक कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कांग्रेस की शिवगंगा इकाई के नेता है। शिवगंगा की कांग्रेस इकाई ने प्रस्ताव भी पास किया है कि कार्ति चिदंबरम को लोकसभा चुनाव का टिकट न दिया जाए। जिस बैठक में कार्ति के खिलाफ आवाज उठी उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ईएम सुदर्शन नाचियप्पन भी थे। नाचियप्पन ने ही कार्ति को टिकट न दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया और इसे पास किया गया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से नाचियप्पन ने कहा कि बैठक में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। मौजूदा लोग कार्ति चिदंबरम के खिलाफ थे और उन्होंने शिवगंगा सीट से कार्ति को दोबारा कांग्रेस का लोकसभा टिकट न दिए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की मांग की। बैठक में कार्ति के पिता पी चिदंबरम के समर्थक भी थे। कार्ति के पिता पी चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। कार्ति के खिलाफ कांग्रेस में उठी आवाजों से साफ है कि पार्टी के अंदर ही अंदर अंतर कलह है। तमिलनाडु में कांग्रेस और सत्तारूढ़ डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी जारी है। ऐसे में पी चिदंबरम जैसे बड़े नेता के बेटे के खिलाफ आवाज उठना कांग्रेस में सब कुछ ठीक न होने का संकेत दे रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ उठ रही आवाजों पर कांग्रेस का आलाकमान क्या फैसला लेता है। कार्ति के पिता कांग्रेस के बड़े नेता भी है। ऐसे में कार्ति का टिकट काटे जाने पर उनकी नाराजगी भी कांग्रेस के लिए दिक्कत का सबब बन सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।